दोस्तों, अगर आपके MI फ़ोन के अंदर, Redmi फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है परमिशन से रिलेटेड, जी हाँ, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसे आपको कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे फ्रेंड का मैंने डिवाइस मंगाया हुआ है जो कि Redmi Note 9 Pro Max है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है, पहले इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है परमिशन से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो एक कैसी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पहले लास्ट तक देखिए। आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और सेटिंग्स तक जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको जाना है ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है मैनेज ऐप्स के अंदर, ठीक है। मैनेज ऐप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करके शो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक कर देना है, शो ऑल ऐप्स पर, ठीक है। इसको आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको सिंपल सर्च कर लेना है परमिशंस, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशंस आप टाइप करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऊपर परमिशंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का लोगो इसका देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सिंपल इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब इसको आपको कैसे ठीक करना है, परमिशंस की क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सारी परमिशंस रीसेट हो जाएंगी इसीलिए, ठीक है। क्लियर ऑल डाटा पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी परमिशंस की प्रॉब्लम 101% ठीक हो जाएगी, जी हाँ दोस्तों, इसमें गारंटी ले रहा हूँ उस बात की, 101% परमिशंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो एक प्रॉब्लम क्यों आती है, अपडेट दोस्तों आपने किया होगा फ़ोन इसलिए प्रॉब्लम आ गई होगी। तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप कोई ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कभी कैमरा वर्क नहीं करता है या कोई माइक्रोफोन वगैरह वर्क नहीं करता है तो परमिशंस की इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से परमिशंस की ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं। और जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।